हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिट रहो हिट रहो का एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताऊंगा, आपको ऐसी पुशअप बताऊंगा जो आपकी चेस्ट को बहुत ग्रो कर देगी, बहुत अच्छी तरह पंप लाएगी और आपकी चेस्ट राउंड शेप में दिखाई देगी। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिस भाई पे पुशअप नहीं लगती है मैं उसके लिए भी अब कुछ टिप्स बताऊँगा जो आप ईजी से पुशअप लगा सकते हो। देखो, प्रैक्टिस के टाइम में आप धीरे धीरे ही इंक्रीज कर पाओगे पुशअप को। आप पहले उस स्टेप फॉलो करना, फिर आप धीरे धीरे पुशअप इंक्रीज करते रहोगे। एक दिन 10 लगाओगे, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, ऐसे करके आपको रेगुलर फॉलो करनी है और आप बहुत जल्द ही ज़्यादा पुशअप लगाने सीख जाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पुशअप वर्कआउट। जो मैं आपको पुशअप बताऊँगा वो आपकी चेस्ट मतलब सब बॉडी पार्ट के सभी को हिट करेगी, जिससे आपका साइज गेन होगा और बहुत अच्छे मसल्स दिखाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पुशअप लगाकर दिखाता हूँ कैसे पुशअप लगाई जाती है। आप सीख जाओगे तो आप बहुत अच्छी तरह पुशअप लगा पाओगे, जिससे आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पुशअप लगा सकते हो। देखो, पहले आपको नॉर्मल हाथों से जमीन पर हाथ रख सकते हो, चाहे नीचे ईंटें रख सकते हो। मैंने प्लेट रखी हुई है, मैं इन पर हाथ रख लेता हूँ और फिर मैं आपको पुशअप लगा कर दिखाता हूँ। आपको ऐसे कर लेना है, फिर आपको पुशअप लगानी है। ध्यान रखे, आपको ऐसे नहीं करनी है, ऐसे पुशअप नहीं लगानी है। आपको पीछे की तरफ कोहनियां मोड़नी है ऐसे। आप पर ऐसे पुशअप लगती है तो ठीक है, लेकिन आप पर ऐसे भी नहीं लगती है तो आप अपने जो घुटने हैं वो मोड़ सकते हैं, फिर आप पुशअप लगा सकते हो। आपको हाथों का गैप नॉर्मली रखना है, फिर आपको पुशअप लगाना है। जब आप ऐसी टेक्निक से सीख जाओ, फिर आप पुशअप लगाना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इम्प्रूवमेंट आता रहेगा आपको, जैसे जैसे आप लगाते जाओगे आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब नंबर वन है पुशअप, नॉर्मल पुशअप जो आपको ऐसे रखनी है जमीन पर हाथ, फिर आपको पुशअप लगानी है। आप ईंटों पर भी रख सकते हो हाथ, चाहे मैंने प्लेट रखी हुई है, आप प्लेट भी रख सकते हो जिम की। समतल पर लगाया बिल्कुल प्लेन हो, ताकि आपकी चेस्ट ऊंची ना ऊंची नीची ना हो। चलो मैं पुशअप लगा कर दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही लगानी है। शुरू में कितने ही पुशअप लगे आप लगा सकते हो, लेकिन आपको एक सेट 20 से 25 का लगाना है। और आप इसके 3 सेट भी लगा सकते हो और 5 सेट भी लगा सकते हो। आप टैली कर सकते हो सारी पुशअप जो मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 2, जो पुशअप आपको डायमंड पुशअप लगानी है। आप पर नहीं लगती है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगानी है। देखो, पहले आपको अपने हाथ ऐसे कर लेने हैं, फिर आप एक प्लेट पर रख सकते हो, एक प्लेट पर रख लो, फिर आप ऐसे पुशअप लगा सकते हो। धीरे धीरे पीछे की तरफ जाओ, देखो इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपके इनर चेस्ट गेन करेगी और आपका जो ट्रायंगल है आपकी इनर चेस्ट पर हिट होना चाहिए पुशअप लगाते समय, तभी आपके लिए पुशअप प्रॉपर लग पाएगी। आप इसके 3 सेट लगा सकते हो और 10 से 12 रेपिटेशन निकाल सकते हो। आपकी जैसे इम्प्रूवमेंट होता रहे आप ज़्यादा लगा सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3, आपको अपने हाथों के जो गैप है आपको वाइड करना है, चौड़ा करना है, फिर आपको पुशअप लगानी है। जितना कर लेना है आप पर, जितना आप पर पुशअप लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आपके इस पुस्तक के भी 3 से 5 सेट लगा सकते हो। देखो आप पर धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे, आपको पहले 3 सेट लगा सकते हो, फिर 5 सेट लगा सकते हो, और 1 सेट में 15 से 20 रेपुटेशन निकालने हैं आपको। एक्सरसाइज नंबर 4, फिर आपको ये एक पर पुशअप लगानी है और आपको ऐसे हाथ रखने हैं जिससे आपके इनर चेस्ट पर मांस और मसल्स इंक्रीज होगी। आप इसके भी 3 से 4 सेट लगा सकते हो। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कैसे लगानी है। हार्ड तो लगती है बट आप कोशिश करना, आप पर हो जाएगी ये पुशअप। आपको ऐसे ही प्लेट पर हाथ रख लेने हैं, फिर आपको पुशअप लगाने हैं। धीरे धीरे आप पर ये लगनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इनके। एक्सरसाइज नंबर 5, जो आपको ऐसे हाथ करके लगानी है, ऐसे मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। अपने हाथों को ऐसे मिला लो और फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे पुशअप लगानी है। ये आपके आउटर चेस्ट भी इंक्रीज करेगी और आपके ट्राइसेप्स मसल्स को भी बड़ा बनाएगी, जिससे आपकी कटिंग की शेप बहुत ही आकर्षक दिखाई देगी, अट्रैक्टिव लगेगी। 3 से 4 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन निकाल सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 6, आपको अपने हाथों की हथेलियां पीछे की तरफ करनी है, फिर आपको पुशअप लगाने हैं, ठीक है। ऐसी पोजीशन लेकर फिर आपको पुशअप लगाने हैं। आपके लिए लोअर चेस्ट इंक्रीज करेगी, जिससे आपकी जो राउंड है चेस्ट में वो आएगी और पूरी हार्ड चेस्ट दिखाई देगी आपकी। कोई भी शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, उसमें अलग ही दिखाई देगी आपकी चेस्ट। आपको इसके भी 3 से 4 सेट लगा सकते हो और हर एक सेट में 10 से 12 रेपिटेशन निकालो स्टार्ट में, फिर आप बढ़ाते जाओ। एक्सरसाइज नंबर 7, ये आपको पहले आपको ऐसे करनी है, फिर आपको ऐसे, फिर आपको ऐसे, फिर आपको ऐसे, मतलब स्टेप 1 2 आपको ऐसे पुशअप लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप सीख जाओगे, जिससे आपके मिडिल चेस्ट और इनर चेस्ट पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, जिससे मसल्स इंक्रीज होगी। आपकी जो चेस्ट है उसमें अलग ही पंप दिखाई देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 1 मंथ में आपकी चेस्ट जमा बिल्कुल राउंड और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। आप एक बार जरूर करके देखना ये सभी पुशअप। एक्सरसाइज नंबर 8, आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन निकाल सकते हो। आपको अपने हाथ ऐसे तिरछे कर लेने हैं, तिरछे शेप से, और फिर आपको पुशअप लगानी है। देखो आपको ऐसे करने हैं, मतलब तिरछे हो जाएगी, ऐसे जमीन पर रख लो, फिर पुशअप लगा दो। ये पुशअप भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देगी और आपकी चेस्ट अपर चेस्ट को भी हिट करेगी, जिससे आपकी चेस्ट बहुत ही उठी उठी दिखाई देगी। एक्सरसाइज नंबर 9 एक्सरसाइज में आपको जो अपना एक हाथ है वो ऊंचे स्थान पर रखना है और एक हाथ नीचे स्थान पर, जिससे आपकी चेस्ट आप बहुत ही जल्दी ग्रो होगी। ऐसे लगानी है।
आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन निकाल सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 10, में आपको पुशअप देसी तरीके से लगानी है, जैसे मैं पहले लगाता था, और आपको मैं मेरा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कौन सी पुशअप सबसे बेस्ट होती है, जो चेस्ट इंक्रीज करने में मास मसल्स गेन करती हैं। ये देसी गांव में भी लगाते हैं बहुत से बच्चे, मेरे भाई भी ऐसे ही लगाते हैं। देखो आपको ऐसे लगानी है, इसे हिंदू पुशअप भी कहते हैं, और ये बहुत ही मानी जानी पुशअप है, बहुत ही फेमस पुशअप है, जो हर कोई लगाता है, बॉडी बिल्डर या एथलीट, कोई देसी पहलवान, कुश्तिया पहलवान, हर कोई लगाता है। आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको इसके भी 10 से 12 रेपिटेशन निकालने हैं और 3-4 सेट लगाने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो भाइयों ये वीडियो, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।